तो दोस्तों सीरियम बात करने वाले टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी के बारे में, और हम यहाँ पर करेंगे टाटा स्टील का एनालिसिस कि अब यहाँ पर अपकमिंग डेज के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो हमें टाटा स्टील कंपनी के लिए ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंगली क्या पॉसिबल प्राइस एक्शन यहाँ पर जो है वो हमें टाटा स्टील के अंदर देखने को मिलेगा। अब देखो दोस्तों, अभी फिलहाल के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर टाटा स्टील कंपनी की, तो नो डाउट टाटा स्टील के अंदर एंड बाकी सारे मेटल स्टॉक्स के अंदर हमें लास्ट 7 to 10 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। टाटा स्टील ने भी यहाँ पर क्या किया, 155-156 के लेवल्स को ब्रेक करके 170 तक की रैली दिखाई। ऑलमोस्ट 15 पॉइंट्स यहाँ पर जो है वो स्टॉक ने एक अपसाइड दिखाया, बट ये काउंटर अगेन 170 के क्रूशियल रेजिस्टेंस पर हमें अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर जो है वो ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड मेन क्वेश्चन यहाँ पर ये, क्योंकि मार्केट नेगेटिव है, तो क्या टाटा स्टील यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकल पाएगा या नहीं? निकल गया कोई इशू नहीं है, स्टॉक स्काई रॉकेट हो जाएगा, बट अगर नहीं निकल पाया तो अगेन हमें यहाँ से एक वापस से राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग भी स्टार्ट होती हुई टाटा स्टील के अंदर आराम से देखने को मिल जाएगी।